हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज के, रिलेटेड टू गॉड चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। एमसीक्यू के बाद हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को। अगर आपने देखा है तो डैट्स वेरी गुड, नहीं देखा है तो जाकर आप आसानी से बाबू देख सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में इस बार भी 20 एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब पैसेज की बात करें बाबू, तो पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, यानी लेंचो का घर था जो पहाड़ी पर था। अगला, व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम दिस साइड, उस साइड से क्या देखी जा सकती थी। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। अब राइप मतलब बाबू होता है पका, यानी उस हाइट से क्या देखा जा सकता था, उस हाइट से ठीक है रिवर को देखा जा सकता था और पके हुए भुट्टे को भी देखा जा सकता था। अगला है व्हाट वॉज द अर्थ नीडेड ओनली, मतलब उसकी अर्थ को, यानी कि कह सकते हैं कि उसकी फसल को किस चीज़ की जरूरत थी। तो अर्थ वॉज नीडेड अ लिटिल सावर, यानी उसके फसल को सिर्फ हल्के से बारिश की जरूरत थी। अगला है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी अपने फसल को अच्छे से कौन जानता था। हु की जगह पर आप सीख देंगे लेंचो, लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी लेंचो ही अपने फसल को बहुत अच्छे से जानता था। अगला बाबू आपका इसमें दिया है पैसेज नंबर टू में, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगन टू फॉल, यानी बारिश के बूंद कब गिरना शुरू हो गए। तो रेन ड्रॉप्स बिगन टू फॉल एट द टाइम ऑफ मील, यानी जो बारिश के बूंद थे वो शाम के समय खाने के टाइम पर बरसना शुरू हो गए। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या चीज़ें अप्रोच, क्या चीज़ें आते दिखाई दे रही थी। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कह सकते हैं बादल का एक, कह सकते हैं पहाड़ी बादल या बादल जो है बहुत बड़े भयावह रूप से आते हुए दिखाई दे रहे थे। कह रहे व्हाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों चला गया था, जब बारिश होने लगी तो बाहर क्यों गया। तो मैन वेंट आउट टू फील द प्लीजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है कि जो आदमी था वो बाहर क्यों चला गया था, ताकि बारिश की बूंदों का एहसास अपने ऊपर वो कर सके, ठीक है। व्हाट अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर फोर है, फ्रॉम व्हाट हैव द रेन बीट ड्रॉप्स कम्पेयर टू, यानी बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई थी। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बारिश की बूंदों की तुलना आपकी किससे की गई थी, न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्कों से की गई थी। कमिंग टू द पैसेज नंबर थर्ड, पैसेज थर्ड बाबू आपका क्या कह रहा है कि व्हाट विच विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लेंचो ने अपने खेत को किस नज़र से देखा था। लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी लेंचो ने अपनी फसल को बहुत, मतलब कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन से देखा था, संतुष्ट कह सकते हैं जिसे सेटिस्फेक्शन संतुष्टि के नज़र से देखा था कि मेरा जो फसल है बहुत अच्छी प्रॉफिट देगा, हर बार की तरह मेरा फसल इस बार भी अच्छा होने वाला है। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग बिगिन टू ब्लो, यानी क्या हुआ जब तेजी से बरसात, तेजी से हवा चलना शुरू हो गई, विंड मतलब होता है बाबू हवा, ठीक है। तो अगर व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंग्स बिगन टू ब्लो, यानी जब तेजी से हवा चलना शुरू हुआ, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लेयर लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, तो बहुत तेजी से हवा चली और बर्फ के टुकड़े भी गिरने शुरू हो गए। व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, अब दो क्वेश्चन है बाबू, एक है व्हाई डिड द मैन गो आउट, तो इसका आंसर होगा द मैन वेंट आउट टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। अच्छा, बच्चे क्यों गए थे, तो द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, यानी बच्चे जो उसको मोती समझ रहे थे कि मोती बरस रहा है, और उस मोती को क्या करने गए थे कि उसको कवर करने के लिए, मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या जो मुसीबत थी, बला था, वो जल्दी चला गया था, तो इसका सीधा सीधा आंसर लिख देंगे नो, इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी वो जल्दी नहीं गुजरा था। अगला बाबू इसमें दिया, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, पैसेज नंबर फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लेंचो ने कोई सरप्राइज शो की, तो लिख सकते हैं लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, पैसे मिलने पर लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज शो नहीं किया था। अगला, व्हाई डिड द लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्यों गुस्सा हो गया था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स बिफोर, सो दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो तब गुस्सा हो गया था जब उसने पैसे को गिना था। व्हाई डिड लेंचो गो आउट टू द विंडो, गो टू द विंडो, लेंचो विंडो पर क्यों गया था, तो लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, यानी दोबारा जो लेंचो गया था विंडो पर, उसने पेपर और इंक मांगने के लिए वहां पर वो गया था। अगला क्वेश्चन बाबू इसमें क्या कह रहा है कि कहां गया, हां डिड द क्या लिखा, विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो राइटिंग द लेटर, यानी लेंचो का एक्सप्रेशन कैसा था जब वो लेटर को लिख रहा था। लेंचोज वाइल राइटिंग द लेटर, लेंचोज फेस वॉज रिंकल्ड, लेंचो का चेहरा एकदम से सुकड़ा हुआ था, एंड ही वॉज इन स्टेट ऑफ एंगर, और वो गुस्से की हालत में था क्योंकि उसको पैसे कम मिले थे। अगला है, हाउ डिड लेंचो कॉल टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा था, तो सिंपल सी बात है, उनको क्या कहा था, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठगों का एक ढेर है। हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, लेंचो ने स्टाम्प कैसे लगाया था, तो लेंचो बाबू क्या था, ही वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर द स्टैम्प पेपर, देन ही फिक्स्ड द स्टैम्प एनवेलप, लेंचो ने स्टाम्प कैसे लगाया था। तो स्टाम्प देखते बाबू, जो किसी भी पत्र को आप जब भेजते हैं तो उसमें स्टाम्प लगता है, टिकट जिसको कहते हैं, तो लेंचो सबसे पहले विंडो पर गया, उसने स्टाम्प खरीदा और फिर उसके बाद उस पर लगा दिया था। अगला है कि हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, ठीक है, इसमें हाउ और मच आपका बच्चे ने शायद गलत लिख दिया था, हाउ मच आपका कटा हुआ है इसमें,
ठीक है, इसमें सीधा सीधा कर देना है हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, यानी पोस्ट मास्टर जो था वो मेल बॉक्स को खोलने के लिए गया था। अगला है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले थे। तो लेंचो गेट ओनली 70 पैसा, लेंचो को सिर्फ 70 पैसा मिले थे। अगला बाबू इसमें है व्हाई वाज लेंचो सेड, लेंचो दुखी क्यों था। व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, अपने बच्चों से उसने क्या कहा था। तो इसने लेंचो हर्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का बाबू जो दिल था वो पूरी तरह से दुखने से जो है वो तकलीफ से भर गया था। इसमें स्पेलिंग आपकी सैडनेस की होती है SADNESS, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। ठीक, लेंचो सोर वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज व्हेन इन द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, लेंचो बाबू दुखी क्यों हो गया था क्योंकि उसके कॉर्न डिस्ट्रॉय हुई थी, उसने अपने बच्चों से कहा कि हम लोग भूखे मरेंगे। ठीक, ये थे पैसेज रिलेटेड। अब इसमें बाबू आपका अगर शॉर्ट की भी आपकी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, और MCQ की वीडियो ऑलरेडी आपकी अपलोड हो चुकी है, तो चैनल पर आकर आराम से देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।